सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दो दिन के लिए त्रिपुरा दौरे पर हैं। वहीं आज सीएम के दौरे का दूसरा दिन है, जहां सीएम योगी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने कहा कि कई चुनावी सभाएं और रोड शो किए। इस दौरान वह कांग्रेस और कम्युनिस्टों पर जमकर बरसे। सीएम ने कहा कि 5 साल में भाजपा की डबल इंजन सरकार ने त्रिपुरा को अलग पहचान दिलाई है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ेंगे। विवेक, सीएम योगी त्रिपुरा के 2 दिवसीय दौरे पर हैं, कल भी उन्होंने कई रोड शो किए, जनसभाएं की, आज दूसरा दिन है, आज क्या कुछ खास है? देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जिन्हें फायर ब्रांड नेताओं में जिनकी गिनती होती है, और जहां कहीं भी चुनाव होते हैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व द्वारा इनको भेजा जाता है। अगर हम बात करें त्रिपुरा विधानसभा के चुनाव की, तो कुल वहां पे 60 विधानसभा चुनाव सीटें हैं, जहां पे 55 पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को खड़ा किया है। वहीं बाकी 5 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की पार्टियाँ अपने उम्मीदवार खड़ी कर चुकी हैं। अगर बात करें पिछले चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 36 सीटें जीती थी, और त्रिपुरा की विधानसभा चुनाव को भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को बड़ी ही गंभीरता से लिया जा रहा है, क्योंकि इसके पहले ही गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने भी त्रिपुरा का दौरा किया था, यहाँ चुनावी जनसभाएँ की थी, ताकि त्रिपुरा के इस रण को जीता जा सके। बात करें तो आज त्रिपुरा में योगी आदित्यनाथ के अलावा देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी होंगे, और दोनों त्रिपुरा में अलग अलग जगहों पे दो दो जनसभाओं को, रैलियों को संबोधित भी करेंगे। त्रिपुरा के विधानसभा के अलावा मैरू में आपको बता दूं कि इस साल कुल 9 विधानसभा चुनाव होने हैं, और अगले साल ही लोकसभा का चुनाव होना है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पहले से ही एक्शन मोड में दिख रही है, और हर एक विधानसभा चुनाव में संगठन को मजबूत भी कर रही है। मयूरी, विवेक, ये दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीएम योगी इससे पहले जिन भी राज्यों में गए हैं जहां चुनाव हुए, लोग उन्हें बड़े ध्यान से सुनते हैं, वहीं जो प्रचार प्रसार वो करते हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा भी होता है। जी बिल्कुल मयूरी, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता है, और सबके जो है वो चाहते हैं, अगर कहीं भी चुनावी जनसभा होती है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम जरूर होता है। कई बार वो केरल गए, उत्तराखंड गए, हर जगह पे जो है वो चुनाव प्रचार के लिए जाते रहते हैं, और चूंकि जब से वो दोबारा सत्ता में जीत के आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रमुख चेहरा बन गए हैं। ऊपर से हिंदुत्ववादी विचार, हिंदुत्व को लेकर चलने वाली बातें, जिस तरीके से हिंदुत्व का एक चेहरा बन के वो उत्तर प्रदेश में उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ये चीज़ें काफ़ी मायने हो जाती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि वो हमेशा से ही मंडल और कमंडल की राजनीति करने वाली पार्टी रही है, और इन दोनों को ही बैलेंस करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में पहुंची है। 2024 का आगामी लोकसभा चुनाव है, उसके पहले 9 विधानसभा राज्यों में चुनाव है, तो इस प्रकार से चीज़ें जो है संगठन को मजबूत कर रहा है भारतीय जनता पार्टी, ताकि जितने भी चुनाव विधानसभा चुनाव जो 9 विधानसभा राज्यों में चुनाव है उसमें फतह हासिल की जा सके, ताकि आगामी लोकसभा चुनाव इनके लिए थोड़ा आसान हो सके। मयूरी जी, धन्यवाद विवेक तमाम जानकारी।
सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट व G20 की बैठकों के चलते शासन व विभागों के समूह का व खा के सभी अधिकारियों की छुट्टियों पर 10 से 15 फरवरी तक रोक लगा दी है, जिनमें IAS और PCS अधिकारियों के साथ विभागाध्यक्ष व उनके अधीन कार्यरत अधिकारी भी शामिल है। जिन अधिकारियों की छुट्टी पहले से थी उन छुट्टियों को भी निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश में 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और 13 से 15 फरवरी तक G20 की बैठकें हो रही हैं। इनमें लखनऊ मंडल के समूह का व खा के ज्यादातर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है, साथ ही GIS 2023 के चलते ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी। बता दें G20 GIS को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। समूह कहवा खा के अधिकारी आदेश के दायरे में है, ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी, तमाम फैसले लिए गए हैं। इस खबर पर हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ेंगे। रितेश, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को देखते हुए तैयारियां जोरों पर है, तमाम फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें तमाम बड़े अधिकारियों की छुट्टियों पर रोक लगा दी गई है। जी जी मैरू, मैं बता दूं आपको कि जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के पूरे लखनऊ को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी चाक चौबंद व्यवस्था की जा रही है, जिसको लेकर के शासन की तरफ से साफ कह दिया गया है कि जो भी समूह का और खा के अधिकारी है यानी IAS और PCS और जो विभागों के विभागाध्यक्ष है उनकी छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है तत्काल प्रभाव से। वो 9 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक छुट्टियों को रद्द किया गया है, क्योंकि लगभग 14 देश के मेहमान लखनऊ में जुटेंगे और यहाँ पर इन्वेस्टर समिट में भाग लेंगे, हिस्सा लेंगे और कहीं ना कहीं यूपी में निवेश को बढ़ावा देंगे, जिसके चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने इन लोगों की छुट्टियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। कहीं ना कहीं जो सुरक्षा की दृष्टि से जो पुलिस विभाग है उनकी भी छुट्टियों को रद्द किया गया है, IAS डिपार्टमेंट के जितने भी IAS अधिकारी हैं उनकी भी छुट्टियों को रद्द किया गया है और इन छुट्टियों में PCS अफसरों को और विभागाध्यक्ष हैं उनको भी शामिल किया गया है। भाई रितेश, GIS को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था भी बदली रहेगी, इसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि GIS को लेकर के जिस तरीके से लखनऊ में अचानक इतनी बड़ी समिट हो रही है 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 का भी जो सम्मेलन होना है उसको लेकर के कहीं ना कहीं पूरे लखनऊ में यातायात व्यवस्था को लेकर के उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए जो अहिमामऊ और अंसल का एरिया होगा उधर से वृंदावन की तरफ से जो उस पूरे एरिया को पूरा एक कॉरिडोर बनाया जाएगा और वहां पर किसी भी प्रकार के जो बड़े वाहन है या जो निजी वाहन है वो प्रवेश नहीं कर पाएंगे इन्वेस्टर समिट के दौरान। फिलहाल वो रूट का यातायात और डाइवर्जन बदला रहेगा उन सारे रूट पर, क्योंकि सुविधा के एहतियात पर, सुरक्षा के एहतियात पर कि कहीं जो विदेशी मेहमान जो अपने लखनऊ में उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं इन्वेस्टर समिट को लेकर के कहीं वो रास्ते में फंसे ना, कहीं दिक्कतें ना हो, कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, कहीं जाम का बोझ ना हो, तो कुल मिलाकर के एक यातायात की सुचारू व्यवस्था करने के लिए रूटों का डाइवर्जन किया जाना है। रितेश, अगर देखा जाए तो समिट होने में बस कुछ ही वक्त रह गया है, तो अभी शहर में कितनी तैयारियां हो चुकी हैं, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए मेरे पूरे लखनऊ में जितना डिपार्टमेंट है, नगर निगम, लखनऊ विकास प्राधिकरण, PWD विभाग, ये सारे डिपार्टमेंट लगातार पूरे लखनऊ को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। PWD डिपार्टमेंट के जो मंत्री हैं जितिन प्रसाद, उन्होंने अभी रात में सर्वे किया है, पूरे रूट का निरीक्षण किया है, कहां कहां पर क्या व्यवस्थाएं हैं वो लगातार पूरा जायजा ले रहे हैं, क्योंकि अब समय नजदीक आ गया है। 10 से 12 फरवरी तक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है, 3 दिन का यह आयोजन रहेगा और मैं आपको बता दूं कि 10 तारीख को 9:30 बजे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आगमन होना है और वहां पर वो जाएंगे, कार्यक्रम में वो सम्मिलित होंगे, उसको लेकर के पूरी तैयारियां चल रही। नगर निगम भी पूरी तरीके से लखनऊ को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने में जुटा हुआ है, जो जो भी व्यवस्थाएं शासन की तरफ से मंजूर की गई है, कही गई है, जो निर्देशित किया गया है उसको वो नगर निगम पूरी तरीके से साफ सफाई करके और एक अच्छा खाका तैयार कर रहे हैं, उसमें उनका साथ लखनऊ विकास प्राधिकरण के साथ साथ PWD डिपार्टमेंट के भी मिनिस्टर और वहां के जो अधिकारी हैं वो पूरी तरीके से क्षेत्र में और जगह जगह को संवारने सजाने में जुटे हुए। जी धन्यवाद रितेश तमाम जानकारियों के लिए। अभी के लिए इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।
देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस